में मुझे जो सबसे बड़ी एक अजीब चीज लगी ना कि 97 का टोटल आपने दिया है इंडिया जैसी टीम को, उनके लिए तो हलवा था, लेकिन विराट कोहली मेरी समझ से बाहर है, एक स्कोर करके आउट हो गए। बड़े प्लेयर्स बड़े मैचों में चलते हैं। उमर आप क्या कहेंगे? इट वॉज वनीला आइसक्रीम फॉर इंडिया द वे दे प्लेड और द वे दे इम्प्रोवाइज्ड। और रोहित शर्मा पे ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रडार पे थे कि परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस हो या इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस हो, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बड़े टूर्नामेंट्स के प्लेयर है, और उन्होंने बता दिया कि मैंने आगे बात की कि अगर उनकी तोंद निकली भी हुई है तो वो कोई इंडिया के फेवर में ही जा रही है। 37 बॉलों में उन्होंने 52 रन स्कोर किए, अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड हर्ट हो गए अली भाई, लेकिन फिर भी जो है ही शॉट दैट स्पार्क टुडे। एंड विराट कोहली की बात आपने भी की के नहीं चले, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के खिलाफ चल जाए, लेकिन बाकी और मैचों में चले वो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ही लव्स टू प्ले इन एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स। अच्छा उमर आप किस तरह देखते हैं कि मुझे तो आयरलैंड की टीम नहीं, असल में देखें मेरी बात सुने नीरव, कल से मैंने एक चीज फील किया कि उमर के पास जो क्रिकेटिंग नॉलेज है ना वो बड़ा सॉलिड है। तो आप मेरे क्रिकेटिंग नहीं बड़ी बात है मीरा बोलिए जी आज भाई, मैं तो खुशी से हमजा भाई तुसी मसल्स भी अपने बड़े चंगे तरह फ्लेक्स कर सकते हो, गल नहीं मैं मसल्स फ्लेक्स कर सकता हूँ, मैं खुद को भी फ्लेक्स कर सकता हूँ। अच्छा उमर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आयरलैंड की टीम भी लगा लेना कहीं, और मेरी बात तो सुन ले, आयरलैंड की टीम जो मुझे लग रहा था कि कम से कम 130-140 जिस तरह कल आपने भी मेंशन किया था कि इतना तो टोटल करेगी, लेकिन यार 97 तो बिल्कुल मेरे ख्याल इंडिया था ना, इतना प्रेशर पाकिस्तान द काइंड ऑफ यू नो द काइंड ऑफ बॉलिंग पावर हाउस दे गॉट इन द लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एंड शिराज उसके खिलाफ मुश्किल हो जाना था आयरलैंड के खिलाफ। मेरा ख्याल अगर स्कॉटलैंड होता तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलता उनके खिलाफ, क्योंकि उनके पास जो है मनसी है, रिचर्ड बैरिंगटन है, मैथ्यू क्रॉस है, ग्रीस है, लीस्क है, ये सारे प्लेयर्स हैं काउंटी के जो बड़े टॉप लेवल पे खेलते रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं आज के मैच को, आज के मैच बल्कि आप और मैं ऑफ द कैमरा इकट्ठे ही बैठे मैच देख रहे थे, और आप बड़े जैसा कहते ना कंसर्न थे कि की हो रहा है, की हो रहा है, तुम्हें 3-4 बार किया तो मैं कहा भाई मैच हो रहा है याद है यार, बात वहीं पर आती है स्टेडियम में। अगर आप देखें पिच, इवन के मैच के दौरान ही माइकल वान ने आई थिंक एक्सप्रेस में एक ट्वीट किया है, उसने कहा जी कि ठीक है अमेरिका में क्रिकेट होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की पिचेस पे खिलाड़ियों को देखना जो है ना वो नाकाबले बर्दाश्त है। मिकी आर्थर ने भी यही कहा ये पिच ठीक नहीं है। और आप देखेंगे इंडियन बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, और लेकिन आयरिश अगर आप बॉलर्स देखें तो उन्होंने भी थोड़ा सा टफ टाइम दिया है। कोहली फ्लॉप है, सीधी सी बात है, मतलब अगर देखें नहीं साइमन डॉल ने बड़ी भाई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त, वो बात ठीक है, फैंस भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन देखिए अगर आयरलैंड के खिलाफ नहीं वो मतलब डेयर ने डेयर कर दिया था कोहली को आज। अच्छा उमर ने बड़ी एक डिफरेंट बात की, क्या कह रहे हैं आप? डेयर ने डेयर कर दिया था कोहली को आज, मीरब की आज थोड़ी तबीयत नासाज है, इस वजह से आपको पता है वो हाथ बांध के बैठी है। जूठा पानी गलती से पी लिया था उसके, नहीं अल्लाह माफ करे मेरा जूठा तो बड़े बाबरकत लोग पीते हैं जिस तरह के ये। अली आप कुछ कह रहे थे? अच्छा मेरे ख्याल में कितना मतलब आपको लगता है कि आप मेरे वाले नैरेटिव के साथ जाएंगी कि पाकिस्तान हार जाएगा? नहीं हारेगा नहीं, जीत जाएगा, लेकिन बहुत यू नो नेक टू नेक आकर बहुत मुश्किल से मैच जीतेगा। मुझे लगता है यूएसए इनको टारगेट बहुत ज्यादा दे देगा अगर यूएसए पहले बैटिंग करता है, और अगर यूएसए बैटिंग बाद में करता है पाकिस्तान पहले करता है तो इनको विकेट्स लेने में जो है वो दुश्वारी आ सकती है। उमर आपका क्या टेक? प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए वुड बी अ काइंड ऑफ फिरनी फॉर पाकिस्तान, इट वुड बी अ वन साइडेड उमर आप भूख लगवा देंगे मुझे सारे शो कहते हैं ना पहले आइसक्रीम थी वनीला अब आगे फिरनी फिरनी मतलब अगर आगे आ जाए फलूदा, एक मिनट मेरी बहन आगे फलूदा हाय हाय ये जुल्म हो गया। कल ईद का सवार है तो बेशक बड़ी नियारी की गल करो ना, नहीं वो भी करने हैं लेकिन मीठा भी तो चलता है ना इतने, तो आपको लगता है पाकिस्तान वन साइडेड मैच होगा? बहुत दैट्स व्हाट यू से बहुत ज्यादा
आप क्या कहते हैं पाकिस्तान जीत। यार अली अपनी भी बात किया करे, गाजर का हलवा होगा जो उसका मैच पाकिस्तान और यूएसए का मैच है ना, ये डेलस में हो रहा है और उस पे उस वो पिच बड़ी मजेदार है, बैटर्स के लिए हेल्पफुल है। जो यूएसए ने जो चेज किया 196 या 7 का, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बड़ा टारगेट सेट होगा, बड़ा टारगेट सेट होगा। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तब भी बड़ा टारगेट सेट होगा। देख लीजिएगा कल क्या होना है, कल पता क्या होना है बता दो। हां जी बता दो। ला जी मेरे पेशन कोई करने लगी जी, कल मैच होगा पाकिस्तान और यूएसए का, ये सबसे बड़ी पेशगोई। वाह यार ये इस बात पे तो उठना ही बनता है मेरा। अच्छा दूसरी पेशगोई ये है कि यूएसए पाकिस्तान को टफ टाइम देगा देगा देगा, उसके बाद पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से मैच जीतने के बाद बड़ी बड़ी बातें करेगा कि हमने यूएसए को भी हराया है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हम इंडिया को भी हरा देंगे। यही यही ये जुमले जो है ये कल बोले जाएंगे। अच्छा आज आमिर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरह आपने मुझे दिखाई थी कि जी वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल है और इस तरह के टूर्नामेंट्स में ऐसे मामला होते रहते हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहते हैं आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जरा ब्रीफ बताओ। आमिर की जो बात मुझे कुछ अच्छी लगी है वो ये है, उसने कहा कि एज अ सीनियर मैं अपना पूरा तजर्बा जो है उसको इस्तेमाल करूंगा। और सेम बैस बाबर ने भी यही बात की थी, उन्होंने कहा कि हम एतमाद में हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बाकी पिचेस वगैरह के बारे में मेरे ख्याल उन्होंने यही कमेंट्स किया, उन्होंने कहा जी कि हमने हर कंडीशन में खेला हुआ है, यूएसए में पहली बार क्रिकेट हो रही है तो इस चीज़ का हमें कोई नहीं मसला नहीं है। अच्छा मैं आज एक बात करना चाहूंगा व्यूअर्स से भी और उमर से, मैं स्पेशली इस बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। उमर आपने कल बताया कि बाउंसी विकेट्स हैं, आज मैंने खुद देखा है कि उनका जो एक मेरे ख्याल में आयरलैंड का खिलाड़ी था वो बाउंस पे आउट भी हुआ, उस बेचारे के चोट शोट भी लगी। शर्मा देख ले इंजर्ड हुए, रिटायर हट होना पड़ा, तो बाकी ऑब्वियसली तो ये हमने भी देखा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसमें भी ये स्ट्रगल कर रहे थे बैटर्स। और ये तो मसला जब बाउंस वेरिएशंस होगी ना, बाउंस में भी जो है डिवर्सिटी होगी और स्पॉन्जी बाउंस जो होगी तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स, क्योंकि हमने देखा कि जो श्रीलंकन ओपनर्स थे उनमें से एक ने जो है कट किया अपर कट, तो एक में सफल हुए वो बहुत ज़्यादा वो विथ थी, लेकिन उसके बाद जो है कमाल का जो कमबैक किया नोरकिया ने और जो है परप्लेक्स किया बैटर को और वो आउट हो गए, तो वो ट्रिकी होगा कि अटेम्प्ट करने के लिए भी बैटर सोच सके कि बाउंस को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, आसान नहीं होगा। और ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बैटर स्टेप आउट करके बाउंसर को खेले अली भाई तो वो कितना जो है वो हो सकता अली है भाई ने स्टेप आउट इधर से कर जाना है। ये बड़ी ब्रूटल चीज है, ये देखो जब आप खेलोगे ना तो मोर लाइकली आप अपने आप को हर्ट करने के चांस पे होते हो। वो इस तरह होता है कि ब्रेंडन मैकेलम ने एक बार ब्रैडली का सामना किया बिग बैश लीग में और उनके नाक पे बॉल लगी और वो खूनों खून हो गए थे। फिर इसी तरह मिचेल मैकलैनिगन जो है न्यूजीलैंड के, उनको बॉल लगी अनवर अली ने 2016 में उनके खिलाफ बॉल की, तो वो जैसे मैंने इनका झूठा पिया मैं बीमार हूं, कोई इंजरी का पता नहीं चलता, हमेशा जिम्मेदार कोई और। सो ये चीजें हम सुनने को मिल रही है कि इस बात को शो के बाद प्लेयर्स के लिए ट्रिकी है ये नेसो क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे बैटर्स को नसना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे ज्यादा, सिंगल डबल्स जो है डबल्स को ट्रिपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि चौके छक्के आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। उमर भाई का मतलब ये कहने का बैटर चंगी अच्छी गजा खा के यार, मतलब चंगा खाना फिर तो आजम खान की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, तो ये हाँ ये अच्छा पॉइंट हमने रेज किया। कंडीशंस रेस्ट वगैरह आज, बल्कि एक मैं मजे की बात तो व्यूअर्स को भी और आप लोगों को, आज मैं रोड शो करने गया, एक लड़की ने मुझे पता है कहा जी आजम खान को क्रिटिसाइज ना करें, ही सो क्यूट। और जो मेरे साथ हमारे कैमरामैन थे छम्मा जी वो इस बात पे कहते हाय कितनी सोनी गल की थी, जिस तरह वो खुद भी वैसे हैं ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेटिंग स्किल्स ही आल्सो नोस टू प्ले गिटार, वीडियोस भी है यार आपको भी हमारे प्लेयर्स बहुत मल्टी टैलेंटेड है यार, सिवाय क्रिकेट के हर चीज कर लेते हैं। सबसे बड़ा अहम मसला तो भूल ही गए हैं भाई, उनको दूध पत्ती नहीं मिल रही यूएसए में, बहुत बड़ा मसला है। अच्छा ये आपके पास खबरें कहां से आती हैं, आप उनके बावर्ची हैं भाई? मुझे खिजर भाई ने दी है ये खबर, उन्होंने हमारे पास लेके आते हैं सारी खबरें, उन्होंने बताया है पूरे सोर्सेस, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो तेज पत्ती को तरस गए हैं। तेज पत्ती को तरस अब खैर वो मैनेजमेंट मेरी गल सुनो।